रवि वर्मा, राज रवि वर्मा। दर्द हो रहा अभी भी? हाँ थोड़ा सा होगा, ठीक है। सो दिस वॉज अ वेरी चैलेंजिंग टर्शियरी रिविजन राइनोप्लास्टी। टर्शियरी मीनिंग रिविजन बींग डन फॉर द थर्ड टाइम। सो शी हैड कपल ऑफ सर्जरीज डन एल्सवेयर। वन वॉज इन सीएमसी वेलोर, एंड दैट वॉज द सेकेंड वन, एंड देयर वॉज वन बिफोर दैट व्हिच शी गॉट इट डन इन उत्तर प्रदेश। So I've done surgery basically the radix, a little bit in the forehead. काफी टाइट है, हम एक मिनट वेट कीजिए, बिकॉज एक मिनट हो गया जी। All right, so आप देखिए अभी, दर्द हो रहा है? नहीं ना, हो रहा है? एक मिनट, ओके, यू कैन सी दैट। पूरा किया है यहाँ पे, जो हड्डी था पूरा स्ट्रेट हुआ है। हाँ यहाँ पे भी किया है, अभी पूरा थोड़ा थोड़ा हीलिंग, देखो हील रहा है लाइटली जी, तो बिकॉज ये बोन सेट नहीं हुआ है इसकी वजह से। हाँ वो थोड़ा डाउन है, यहाँ पे हाई हुआ है, यहाँ पे थोड़ा डाउन है, वो भी पूरा हीलिंग होना चाहिए ना। हड्डी पूरा भी सॉफ्ट सॉफ्ट है, वो तो गड्ढा ही रह जाएगा सर उधर, ये लेवल से ऐसे डाउन हो गया। आज से हुआ सर, उस दिन से तो सही था, आज सुबह से वो खुद डाउन हो गया। नहीं डाउन नहीं लग रहा, ऊपर देखिए मैडम जी, सही तो लग रहा है ऐसे। कहाँ डाउन लग रहा है आपको? यहाँ पे देखो, तीसरी बार जब होता है ना तो इम्प्रूवमेंट मिलता है, परफेक्ट नहीं मिल जाएगा। अभी हमने बताया ना आपको, काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। आप सारे साइड्स दिखाओ, ये तो वैसे ऐसे ओ साइड दिखाइए, एक मिनट ओ साइड देखिए। हाँ लुक एट दैट, ये नीचे देखो ना, तो आपको टिप था ही नहीं, अभी टिप बना हुआ है। ये क्या था, पूरा चपटा फ्लैट था, चिप टिप। ऊपर देखिए मैडम जी थोड़ा सा, सो यू कैन सी द टिप नाउ, सो इज मच मोर रिफाइंड, मच मोर इम्प्रूव्ड। यू कैन सी द शेप। आई ऑल्सो गॉन एंड डन वर्क ऑन द फोरहेड राइट देयर, that's why you can see that groove that's missing, and the ALR symmetry thoda upar dekhiye, it's much better. I'm not saying it's 100%, but these kind of post traumatic deformities are very very challenging. Thoda niche dekhiye side, you can see the nose now, the side view, just show this correct side view. So this was a very very short foreshortened nose, we've got a much longer nose there, it's much more projected, it's much more proportional to our face, has a much more balance, and you can see that in all angles. This was stubby, short, no tip, big depression on the radix. Aisa dekhiye madam ji, ha you can appreciate that. So we actually worked on the forehead till this much,
from inside the nose. So we've been able to work a little bit even on this aspect of the forehead. And again, you can see different views. A side dekhi madam, mere side, mere side. Ha. देखो नाक को प्रोपोर्शनल बनाया आपके फेस के लिए. बढ़िया तो मतलब नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन पहले से काफ़ी गुना मतलब अच्छा बनाया. अभी किसी ने आपको रोड में देखा ना, आपके नाक में नहीं दिखेंगे, शायद ये देखेंगे. जी जी, ये नहीं दिखेगा अभी नाक. तो वेट करेंगे हम, और अगर ये कराना ही है फिर हम लोकल एनेस्थीसिया में भी हो सकता है. एक दिन का बात है सर. जो गड्ढा है वो गड्ढा नहीं, गड्ढे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो स्कार का बात कर रहा हूँ वही दिख रहा है अभी, कुछ और नहीं दिख रहा. जैसे यहाँ तक सर सही है, एक इधर ये सर इतना नहीं, ये डाउन से होते जा रहा है, और कहीं इससे ज़्यादा डाउन होगा तो और ख़राब लगेगा. उसका कोई सर विकल्प शायद नहीं होगा वो. अभी अच्छा है वो, वहाँ पर वापस कितनी बार कर पाएंगे. हड्डी तो लगाया है अभी, इधर भी सर हड्डी लगा है. हाँ यहाँ तक लगाया है, देखो मैडम जी देखो यहाँ तक लगाया पूरा हड्डी. ये तो सर है, यहाँ भी लगाया है, ऊपर भी लगाया है, इतना लगाया था पूरा. थोड़ा कम होगा, ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए. हाँ मैं समझ रहा हूँ, अगर ज़्यादा कम हो तो अच्छा नहीं लगेगा ज़्यादा, लेकिन थोड़ा तो फिलहाल सूजन कब होगा ही हर जगह, क्योंकि इससे अभी 8 दिन हुआ है. तो ये मोटा ही रहेगा सर, थोड़ा कम होगा, वो भी ज़्यादा नहीं कम होगा, पहले से तो कम होगा, लेकिन मोटा ज़्यादा रहेगा ना. अरे यार हाँ ज़्यादा तो मतलब पहले से तो अच्छा है, लेकिन अरे नहीं इसी के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया. 4-5 घंटा निकल गया इसी में, इससे तो मतलब अभी और होना है तो और 6 महीने के बाद ही सोच सकते हैं, उससे पहले फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी 2 बार मेजर सर्जरी हो गया आपका. रिब निकाले, हम भी निकाले, पहले भी निकाले. अच्छा है, इसमें हम लोग बोल सकते हैं पूरा एकदम परफेक्ट गारंटी के साथ. थोड़ा सर यहाँ मैंने क्या हुआ, ये जो डाउन जो है ना सर, फ्रंट वाला भी आपको अच्छा नहीं लग रहा. वो बाद में स्कार निकाल देंगे, दोनों नहीं कर पाए ना एक ही इस पे, तो इसी की वजह से अंदर से पूरा किया है. ये नाक को ठीक होने दो, 6 मंथ आप छोड़िए जी, उसके बाद एक बार आइए 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, वो आराम से कर देंगे, वो एक दिन का मामला है. ये जो हुआ है बहुत बड़ा ऑपरेशन है. अभी आपको मैंने बोला यहाँ पे 10 दिन फिर 4 हफ्ता, सोचो कितना बड़ा प्रोसीजर है. वो इसकी वजह से यहीं से डाल दिया मैंने, ज्यादा टाइम लगा तो एक यहाँ आने के लिए यहाँ से आना था, लेकिन यहीं से डाल दिया. इसलिए आपको जो सीवियर है इतना, ये देखो, नहीं तो ये गड्ढा ठीक नहीं होता. ये जो गड्ढे हैं, गड्ढा तो ठीक हुआ है, वो सब कैसे ठीक हुआ, वो फोरहेड में है गड्ढा, और इसलिए आपको पट्टी लगाया था हमने ऊपर. पहले से बेटर है, एकदम नॉर्मल नहीं है ये, तो मैं ही बोल रहा हूँ नॉर्मल नहीं हो जाएगा ये सर. नेक्स्ट टाइम यदि मान लीजिए इससे ज्यादा गड्ढा डाउन जाता है तो इसका कोई रास्ता निकल सकता है. हर चीज का रास्ता निकलेगा, और अच्छा चाहिए मैं और अच्छा करूंगा नेक्स्ट टाइम 6 मंथ के बाद. हो जाएगा ना पक्का, क्यों नहीं होगा. हड्डी कहाँ से, वो सब आप चिंता मत करो, वहीं से निकालेंगे हड्डी. आप दे सकते हैं. हाँ नहीं नहीं, और काम है सर मेरा. हाँ जैसे वो दांत का सर, लेकिन ये अभी खुश है देखने के लिए, पहले से बहुत सुंदर भी हुई है. RCT सर कराना है दांत के. किसका RCT दांत को. हाँ वो सब वहाँ कराओ, हो जाएगा सर. हाँ वहीं पे करा सकते हैं. हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. क्या प्रॉब्लम आएगा, कुछ नहीं आएगा. मतलब इसका हर चीज के लिए ऐसे क्यों सोच रहे हो, प्रॉब्लम आएगा ऐसे ही सोचते रहोगे तो प्रॉब्लम आएगा जिंदगी में. अब तो प्रॉब्लम सही हुआ है, RCT करा सकते हैं. करा दो वहीं पे, करा लो, कोई दिक्कत नहीं. हर चीज के लिए आने की जरूरत नहीं, हम लोग बहुत दूर पे है. लेकिन उसके लिए सर आएगा हमें. ये देखो पहले, ये देखो कितना शार्प था ये सर जी, ये भी कम हुआ है. कम हुआ है तो ऐसे 3-4 जगह पे इम्प्रूवमेंट हुआ है, और ये भी इनको निकालना था पहले, बताया मैंने निकाला नहीं, बिकॉज बहुत टाइम इसी में निकल गया. ये वाला बोल रही थी ना आप, और यहाँ पे भी था कुछ यहां से. हाँ वहाँ से. अरे अभी क्या करना है, ये तो बहुत मेजर सर्जरी है, इसके साथ इसको देखिए छोटे मोटे कौन करेगा. इसको निकल लीजिए अब, कल अभी निकल रहे हो ना आज. हाँ आज निकल जाएगा, एक घंटा टाइम. नहीं नहीं 1 घंटे नहीं, आप आराम से जाओ,
तो बाद में देखेंगे ये सब, छोटा छोटा काम है ये सब, वो वहाँ भी कहीं भी कर सकते हो, वहाँ कर सकते हैं। हाँ नहीं तो आप यहाँ आओगे 6 महीने के बाद वो कर देंगे, RCT कराओ वहाँ पे। ठीक है ठीक है।